तो श्रीलंका में एक हफ्ते पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए आपातकालीन प्रावधानों के तहत देश भर में बुर्का और नकाब पर बैन लगा दिया गया है और इसके साथ ही उन सभी चीजों पर बैन लगा दिया गया है जिससे किसी शख्स की पहचान में दिक्कत आती है। श्रीलंका में बैन हर तरह का पर्दा। श्रीलंका में बुर्का नकाब हिजाब पर बैन। मुस्लिम महिलाओं को चेहरा ढकने की इजाजत नहीं। श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए मुस्लिम महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों में पर्दा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चेहरा ढकने वाली हर चीज पर बैन लग गया है और ये सोमवार से लागू भी हो गया। ये फैसला हमारे लिए अच्छा है। इस वक्त श्रीलंका में चेहरा ढकना ठीक नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष, इसलिए राष्ट्रपति ने ये कदम उठाया है। एक हफ्ते पहले ईस्टर के दिन श्रीलंका के चर्चों और आलीशान होटलों में सिलसिलेवार ब्लास्ट में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए नए नियमों के तहत ये प्रतिबंध लगाया। रविवार को ही इस नए नियम की घोषणा की गई जिसके तहत चेहरे को ढकने वाली हर तरह की पोशाक पहनने पर रोक लगा दी गई और साफ कहा गया कि चेहरा ढकने वाली कोई भी चीज या फेस मास्क जिससे किसी शख्स की पहचान में दिक्कत हो उसे आपातकालीन प्रावधानों के तहत बैन किया जाता है। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति राष्ट्र की और जनता की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इस फैसले के साथ ही श्रीलंका अब एशिया, अफ्रीका और यूरोप के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जहां आतंकी हमलों को रोकने के लिए बुर्के पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, मोरक्को और उत्तर पश्चिम चीन के मुस्लिम बहुल प्रांत शिनजियांग में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।